लानत है भाई, लानत है मुफ्ती जिंदगी तेरे, लानत है, लानत है भाई, लानत है बुआ मुफ्ती, लानत है, लानत है भाई, लानत है बुआ मुफ्ती, लानत है, लानत है भाई, लानत है बुआ मुफ्ती, लानत है बुआ मुफ्ती, हाय हाय 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 पीडीपी, 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 हाय हाय चक्कर वीर बजरंगी, हर हर महादेव, चक्कर वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, महबूबा मुफ्ती, हाय हाय 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 पीडीपी, हाय हाय पीडीपी, हाय हाय पीडीपी, हाय महबूबा मुफ्ती, हाय 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 हाय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम पीडीपी, हाय हाय पीडीपी, हाय हाय महबूबा मुफ्ती, हाय हाय महबूबा मुफ्ती, हाय हाय चक्कर, हाय हाय महबूबा पाकिस्तानी, हाय हाय महबूबा पाकिस्तानी, हाय हाय पीडीपी, हाय हाय पीडीपी, हाय हाय पीडीपी, हाय हाय महबूबा मुफ्ती, हाय हाय महबूबा मुफ्ती, हाय हाय चक्कर वीर बजरंगी, हर हर महादेव। श्री राम, जैसे कि आज ये प्रोटेस्ट जो हमने डांगरी के मुरादपुर के क्षेत्र में जो रखा है, एक महबूबा मुफ्ती के खिलाफ रखा हमने, पिछले दिनों में उसका एक बयान आता है कि ये तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, उससे पहले भी ये चीज उसका बयान आया था एक, और मैं ये महबूबा मुफ्ती को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर तुझमें हिम्मत है तो रजौरी की और जम्मू की धरती में पांव रख के बता, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि कंधा किसको दिया जाता है और तुझे कंधा देने के लिए कोई नहीं यहाँ मिलेगा। और महबूबा मुफ्ती ऐसे बोलती है कि यहाँ पे तिरंगे का जो अपमान किया उसने, और मैं उनको महबूबा मुफ्ती को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जवान जो बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं, जो वहाँ पे अपने देश के लिए तिरंगे की आन शान के लिए जो दिन रात वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती अगर वहाँ पे अगर तिरंगे को अगर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे हम बैठे हैं बजरंग दल का जिला सदस्य होने की, ये चीज कहता है कि यहाँ पे तू आके दिखा, फिर हमें तुम्हें बताएंगे तिरंगे का अपमान क्या चीज होती है। जय श्री राम। जिला सदस्य बजरंग दल जिला रजौरी, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो महबूबा मुफ्ती का पिछले दिनों आए बयान पे था, जो उसने देशद्रोही और घटिया हरकत की है उसके कारण आज बजरंग दल को सड़कों पे उतरना पड़ा है। और मैं महबूबा मुफ्ती से सीधी बातों में ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या जेएनके के युवा आप चाहते हो दोबारा सड़कों पे उतरे? क्या राष्ट्रपति राष्ट्रभक्त लोग हैं जो वो सड़कों पे आए दोबारा वापस? आप कृपया करके ये ऐसे बंद करें जो ऐसे बयान है, और मेरी केंद्र सरकार से और अपना गवर्नर एलजी साहब से निवेदन है कि ऐसे लोगों पे दोबारा जल्द से जल्द पीएसए लगा के ऐसे लोगों को दोबारा अंदर किया जाए। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी जेएनके गवर्नमेंट ऐसे लोगों को यहाँ पे पाले और उन्हें अपना फ्री में दे, घर दे, बंगले दे, गाड़ियां दे, उनको वो दे, अपना सिक्योरिटी दे। हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम लोग टैक्स भरने वाले लोग हैं, वो टैक्स इसलिए नहीं भरते कि ऐसे देशद्रोही लोगों को आप यहाँ पे बैठाओगे। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इनको ऐसा एक अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए कि जो जहाँ भी कोई सरकारी ऑफिस है या किसी भी पार्टी का कार्यालय है उस पर अपना झंडा होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहिए। जम्मू में देख लिया आपने, एक भी सरकार इनका सरकारी ऑफिसर नहीं, दफ्तर नहीं है इनका। रजौरी में देख लो, डीसी ऑफिस चले जाओ या कहीं चले जाओ, आपको राष्ट्रीय ध्वज नहीं मिलेगा। एक्ट लाए ऐसा कि हर पार्टी ऑफिस में, क्या पीडीपी का, क्या भाजपा का, क्या कांग्रेस का, क्या एनसी का, किसी का भी पार्टी ऑफिस हो, पार्टी ऑफिस में तिरंगा लहराना चाहिए और हमेशा तिरंगे का सम्मान करें। ऐसे लोगों को दोबारा पीएसए लगाएं और डालें। जय करे वीर बजरंगी, भारत माता की, भारत माता की।